गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज मैं 10th क्लास के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। इसके पहले अलग अलग सेक्शन के बच्चे पढ़ रहे थे अलग अलग टॉपिक पर, और मैंने शुरू किया था स्फेरिकल मिरर। मिरर से संबंधित कुछ चीज़ें बताई थी मैंने आपको, और उससे जुड़ी हुई जो है कुछ इमेज फॉर्मेशन भी आपको बताया था। तो अभी तक मैं आपको बता चुका हूँ कॉनकेव मिरर के द्वारा इन इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो उसमें डिफरेंट पोजीशंस पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा था और उसके इमेज हम लोगों ने बनाई थी। तो बच्चों अभी जो है कॉनकेव मिरर में हम लोगों ने देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट जो है रखा हुआ है अलग अलग पोजीशन पे इनफाइनाइट से फोकस के बीच में, तो आपको जो इमेज है इन्वर्टेड, रियल और डिमनिस्ट, स्मॉल साइज, इस तरह मैग्नीफाइड, तो बहुत सारी जो है केसेस इसमें थे, तो उसमें इमेज हमने फॉर्म की थी। बच्चों कॉनकेव मिरर में एक पोजीशन ऐसी होती है कि उसमें हमको इरेक्ट और डिमनेस्ट इमेज कॉनकेव मिरर के द्वारा नहीं मिल सकती। तो डिमनेस्ट और इरेक्ट इमेज पाने के लिए हमको कॉन्वेक्स मिरर का सहारा लेना पड़ेगा। यानी कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर है जिससे केवल और केवल एक ही इमेज हमको मिलती है, और वो होती है इरेक्ट और डिमनेस्ट, सीधी और छोटी। तो आज हम लोग बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है? जैसे आपने देखा था पहले कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसके अंदर की साइड में पॉलिश होती है, और बाहर वाली जो साइड होती है उस पर पॉलिश होती है। अंदर वाली साइड पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, और जो बाहर वाली साइड होती है उस पर पॉलिश होती है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में अंदर वाली साइड पे पॉलिश होती है, और बाहर वाली जो ऊपर उभरा हुआ जो फेस होता है, सरफेस होता है, वो रिफ्लेक्टेड सरफेस कहलाती है। तो कॉन्वेक्स मिरर में इसके कुछ इमेज फॉर्मेशन के रूल्स होते हैं, जैसे कि आपने उसमें भी पढ़ा था कॉनकेव मिरर में भी कुछ रूल, तीन रूल आपने उसमें पढ़े थे, तो इसमें भी कुछ तीन रूल हैं। तो पहला रूल है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये रिफ्लेक्टिंग साइड है, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई भी लाइट रे इनफाइनाइट से आ रही है कॉन्वेक्स मिरर पर जो है जब गिरेगी तो टकराने के बाद में ये डाइवर्ज हो जाएगी। ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये लाइट रे इनफाइनाइट से आ रही है, इसके सरफेस पे पड़ने के बाद में ये डाइवर्ज हो जाएगी, और ये ऐसा लगेगा पीछे बढ़ाने पर कि जैसे ये किसी एक पॉइंट से होती हुई जा रही है। तो ये पॉइंट जो है बच्चों फोकस कहलाता है। जो कॉनकेव मिरर था उसमें जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका साइड के सामने होता था, इसमें जो सरफेस है मिरर के इसके पीछे होता है। देखिए ये जो कॉन्वेक्स मिरर है कुछ इस तरीके से आप बनाएंगे, ये स्फेरिकल शेप है इसका, सर्कुलर। तो यहाँ पे ये अंदर वाली साइड पे पॉलिश की हुई है, तो ये जो है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये पोल है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो इसको फोकस बोलते हैं। तो फोकस क्या होता है कि फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे कोई लाइट रे कॉन्वेक्स मिरर पर इनफाइनाइट से चली आ रही है और इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर टकराने के बाद में ये डाइवर्ज हो जाएगी इस डायरेक्शन में, और ऐसा लगेगा कि जैसे पीछे बढ़ाने पर कि ये किसी प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे आती है ये इसकी फोकस हो जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन भी आपकी बन गई। फोकस द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच ऑल द रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस appears to meet or diverge from it is called focus। तो ये डेफिनेशन आप इसकी बना सकते हैं, दे सकते हैं। दूसरा रूल इसका ये है कि अगर कोई लाइट रे डाइवर्ज होकर के यहाँ पे आ रही है, तो अगर सीधी इसको बढ़ाइएगा पीछे की तरफ तो यहाँ पे ये फोकस से होती हुई जाएगी, और चूँकि ये इधर तो आ नहीं सकती तो ये यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये रिफ्लेक्ट होकर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। तो फर्स्ट और सेकंड रूल एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, जैसा कि आपने उसमें पढ़ा था कॉनकेव मिरर के केस में कि ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का केस कहलाता है। थर्ड रूल है, अगर कोई लाइट रे यहाँ
से आई डाइवर्जिंग रे, तो ये आगे बढ़ाने पे जैसे इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराइए, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पास होगी ये, तो ये वापस उसी डायरेक्शन में लौट जाएगी। कॉनकेव मिरर के केस में भी ऐसा था कि कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो उसी डायरेक्शन में 180 डिग्री पर वापस लौट जाएगी। तो बच्चों ये कुछ रूल्स थे कॉन्वेक्स मिरर के। अब हम लोग इसमें इमेज फॉर्मेशन करेंगे, और इमेज फॉर्मेशन इसमें केवल एक ही होता है। जैसे ये कॉन्वेक्स मिरर है पहला, इसमें जो है और एक ही केस है, ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी को छोड़ करके बाकी इस प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्ट को आप रखोगे तो उसका जो इमेज होगा वो देखिए कैसे बनती है। सपोज़ कीजिए कि ये जो है आपका, देखिए फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये मिरर के पीछे होगा, ठीक है। इसके सामने ऑब्जेक्ट रख लिया जो इन्फिनिटी पे ना हो और कहीं पे भी रख सकते हैं। तो मान लीजिए आपने कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा ए बी, और ए बी जब ये यहाँ से चलेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके यहाँ पे आएगी और यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगी इस डायरेक्शन में। जब आप इसको पीछे की तरफ बढ़ाइएगा तो ये फोकस से आती हुई हमको पता चलता है, तो ये फोकस से आ रही है, ठीक है। दूसरी लाइट रे जो है आप इसको पास कराइएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यहाँ से, ठीक। तो जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो ये उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी ऐसे। अब देखिए एक रिफ्लेक्टेड रे है आपकी, ये है इधर वाली, ए से चली यहाँ से टकराई और टकराने के बाद में इधर आ गई। दूसरी रिफ्लेक्टेड रे है आपकी, ये यहाँ पे आई सेंटर ऑफ कर्वेचर से और वापस उसी डायरेक्शन में चली गई। तो एक रिफ्लेक्टेड रे ये है और एक रिफ्लेक्टेड रे ये है। तो ये बताइए कि क्या दोनों ये वास्तव में कहीं पे मीट करेंगी, ये दोनों लाइट रे रिफ्लेक्टेड रे, एक ये है और एक ये है, कहीं नहीं करेंगी। तो अब चूंकि वास्तव में कभी मीट नहीं करेंगी तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, ठीक है। ये पीछे की तरफ बढ़ाया और इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाया, तो ये दोनों पीछे बढ़ाने पर जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये देखिए ये पॉइंट है इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये इसकी इमेज हो जाएगी। तो ये इसकी इमेज देखिए ए डैश बी डैश। तो ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पे देखिए रखा था, बड़ा था ऑब्जेक्ट यहाँ पर, और इसकी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो ए डैश बी डैश फॉर्म हो रही है। ये इमेज इस ऑब्जेक्ट से छोटी है यानी डिमिनिश्ड है। कैसा है नेचर में, इसमें ये सीधी है, इरेक्ट है, अपराइट है, ठीक है। तो ये इसका एक केस है कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर में ही एक ऐसा केस है कि कॉन्वेक्स मिरर ही, आप ऐसा कह सकते हो कि कॉन्वेक्स मिरर ही केवल अपराइट यानी इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज ही देता है, बाकी जितनी भी इमेज होती हैं वो सब कॉनकेव मिरर देता है, ठीक है। तो इसमें देखिए रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली डू नॉट मीट बिकॉज दे आर डाइवर्जिंग, ये डाइवर्जिंग रेज होने के कारण ये एक कभी नहीं मिलती हैं, जब पीछे बढ़ाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगी। तो अब ये जो पोजीशन है इमेज की वो कैसी होगी, बिहाइंड द मिरर, इस मिरर के पीछे, बिटवीन, अच्छा कहाँ पर है, बिटवीन एफ एंड पी, ये पी है पोल है, ये एफ है और पोल और एफ के बीच में ये इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है। इमेज कैसी है, सीधी है कि उल्टी है, तो ये यहाँ पे, अब देखिए वर्चुअल तो है नहीं, वर्चुअल का मतलब होता है रियल, और रियल में ये कहीं पे बन नहीं रही हैं तो ये वर्चुअल इमेज हो जाएगी। वो अपीयर्स टू मीट, ये मिलती हुई हमको लगती हैं। और एक चीज़ देख लीजिए, जब वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी, इन्वर्टेड होगी तो कैसी होगी, रियल होगी, यानी ये कॉम्बिनेशन चलेगा, ये वर्चुअल है तो इरेक्ट, इन्वर्टेड है तो रियल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये डिमिनिश्ड है, साइज में कैसी है, पहले से छोटी है। तो एक ये केवल केस इसमें कॉन्वेक्स मिरर का है। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमको इरेक्ट इमेज मिलेगी और डिमिनिश्ड मिलेगी, और ये केवल कॉन्वेक्स मिरर में ही पॉसिबल है, बाकी जितने भी टाइप की इमेज मिलेंगी वो सब कॉनकेव मिरर में ही मिलेंगी। अब अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट को आपने इनफाइनाइट पे रखा, तो इनफाइनाइट से जब कोई लाइट रे आएगी कॉन्वेक्स मिरर पे यहाँ पे पड़ेगी तो ये डाइवर्ज हो जाएगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। और जब इसको आप पीछे बढ़ाएंगे तो ये ऐसा लगेगा किसी पॉइंट से होकर के जा रही है, और वो पॉइंट कहलाता है फोकस। ये देखिए इनफाइनाइट से चली
इस पे पड़ी और इधर की ओर डाइवर्ज हो गई, और इसको जब पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे फोकस से होती ही जाती है। तो ये बच्चों कुछ इमेज फॉर्मेशन थे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी तक आपने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था, जो लाइट की कई फिनामना होती हैं, इसमें पहला था रिफ्लेक्शन और फिर है रिफ्रैक्शन, इसके बाद में इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये सब लाइट की फिनामेना है। तो हम लोग बारी बारी से एक एक चीज़ करके पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में केवल दो ही फिनामेना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये हम अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।